सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा। पिछले कुछ दिनों पहले वहां इंटर कार्निवल लगाया गया, बहुत ही अच्छा, काफी दूर दूर से वहां टूरिस्ट आया। यह जो इंटर कार्निवल लगाया गया, इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हर फैसिलिटी वहां की, बच्चों के लिए खेलने का सारा था, खाने पाने की अच्छी चीजें थी, अच्छे स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉल को देख के, इतनी फैसिलिटीज को देख के, हमारा काफी स्टेट से बाहर का भी विजिटर जो था, मेरे इलाका पपीता नखटा बोलसनासर में आया। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा मंत्री साहब को, जो ये कार्निवल हुआ ये भी काबिल तारीफ है। और इसके साथ साथ माननीय स्पीकर साहब, मैं मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ये विंटर कार्निवल लगाया गया, ऐसे ही आने वाले टाइम अगर बर्फ वगैरह पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो स्नो कार्निवल भी मेरे इलाका पंचताप में लगाया जाए, ताकि दूर दूर से विजिटर आए। काफी खूबसूरत इलाका है, कश्मीर से भी खूबसूरत इलाका मेरा पत्रिका नखटा सरासर है। स्पीकर साहब, इसमें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से काफी मशहूर सिंगर अमनदीप अल्फाज जैसे लोगों को बुलाया गया, उन लोगों को सुनने के लिए काफी विजिटर आया। और मैं चाहूंगा जब भी कोई कार्निवल लगे तो ऐसे ऐसे सिंगर्स को जो अपने टूरिस्ट को एकदम खिंचाव करते हैं, उनको बुलाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। स्पीकर साहब, हमारे पिछले टाइम एक साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से पत्नीटॉप के इलाके में, सरासर के इलाके में टूलिप लगाया गया। उस टूलिप को देखने के लिए काफी सारे दूर दराज के लोग आए, और खासकर मेरे सरासर का जो इलाका था, वहां जो एक झील बनाई गई, एकदम बढ़िया झील, उससे भी काफी टूरिस्ट हमारे वहां पे आ रहा है। मैं चाहूंगा कि उसको भी और बढ़ावा दिया जाए। स्पीकर साहब, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा, जो कि पीएमडीपी के तहत 2.88 लाख जो हमारे बगलाड़ी प्रोजेक्ट में जो हमारा एक डैम बना है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, वहां वाटर स्पोर्ट्स वगैरह चले, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो रखा गया है, मैं चाहूंगा कि मंत्री साहब उस पर ध्यान दें और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो, ताकि दूर दराज का जो विजिटर है वो भी हमारे इलाका में आए, इससे भी बहुत बढ़िया होगा। और स्पीकर साहब, हमारे वहां रोड कनेक्टिविटी के लिए माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने जब रामगढ़ में पब्लिक दरबार लगाया, हमारे सड़क बनने के आपसे सड़क के लिए रोड की दिक्कत थी, वो भी उन्होंने कराया, ये भी सराहनीय है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सड़क के 3-4 किलोमीटर के पास हमारा लज्जेदार पड़ता है, बहुत खूबसूरत है। स्पीकर साहब, मैं चाहूंगा कि उसको भी थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाए, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, और रोड कनेक्टिविटी के लिए भी वहां थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि विजिटर जो है सर, मैंने बोला कि आपने घर जा रही प्लीज सर, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। स्पीकर साहब, हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा टनल नासिक रेलवे टनल जो बना, वो भी बहुत बढ़िया टनल है, इतना खूबसूरत टनल है, उसको भी विजिटर जो है दूर दूर से देखने के लिए आ रहा है, यही मुबारकबाद है। लेकिन स्पीकर साहब, एक बात मैं करना चाहूंगा, टनल बना मुबारकबाद, लेकिन मेरे बटोत का इलाका, मेरे पटनीटॉप का इलाका, खुद का इलाका जो है, ये थोड़ा बिजनेस के हिसाब से बैकवर्ड हो गया। मैं चाहूंगा कि मंत्री साहब मेरे बटोत के इलाके की तरफ ध्यान दें, वहां काफी ज्यादा विजिटर आए, उसके लिए हट वगैरह वहां पे बनाए, ताकि विजिटर की कशिश जो है बटोत में रहे। बटोत बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया है, वहां उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। स्पीकर साहब, कश्मीर से भी खूबसूरत इलाके में रहे, जैसे कि अपना देसा हो, बुलंदपुर, सेवा वाली मलंग, चंडीटॉप, गादरी, चप्पा विनोद, सर्वाधार, राजगढ़ और कुर्मा देवता जैसी इलाके हुए। स्पीकर साहब, काफी खूबसूरत इलाके हैं, मैं चाहूंगा कि इन खूबसूरत इलाकों को भी टूरिज्म मैप में लाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है मेरे इलाके में आए। स्पीकर साहब, अगर इन इलाकों को टूरिज्म में बढ़ावा दिया जाएगा, तो जितना भी विजिटर, जितने भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जाते हैं जो, तो वो भी वैष्णो देवी जाए और आते टाइम के लिए हमारे यहाँ पे आए। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ ही हमारे, आपको पता है कि कीड़ा का इलाका काफी खूबसूरत इलाका, वहां के राजमाश भी बड़े मशहूर है। स्पीकर साहब, मैं चाहूंगा कि कीड़ा से लेकर गणपत किला के लिए एक गंडोला दिया जाए, ताकि जो विजिटर वहां पे आए और गणपत
स्पीकर साहब, हमारे बांद्री के इलाके में, हमारे बटवास के इलाके में वहां भी एक डाक बंगला वगैरह बनाया जाए ताकि मिनिस्टर जब वहां पे आए वहां डाक बंगले में रहने के लिए उनके लिए फैसिलिटीज हो। स्पीकर साहब, हमारा फोर लाइनिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बढ़िया। स्पीकर साहब, फोर लाइनिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है, मैं चाहूंगा कि रिवर चिनार चिनार के किनारे भी अच्छे अच्छे स्पॉट बनाए जाए, एक पार्क वहां पर डेवलप किया जाए, जैसे हमारा चिनारी सेंट्रल नर्सरी में पड़ता है, नर्सरी में काफी ज्यादा स्पेस है, वहां पे खूबसूरत पार्क वगैरह बनाया जाए। स्पीकर साहब, तभी उधर भी अब डेवलपमेंट होगी। धन्यवाद, जय हिंद।